नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। पहुंच रहे हैं डायरेक्ट लोगों के बीच में, जानते हैं आज लोगों के क्या विचार हैं डेरा सच्चा सौदा के लिए, सेंटर इंसा के लिए। नमस्कार, क्या नाम है बेटा आपका? परमीना इंसा। आपका क्या नाम है? वीरपाल इंसा। आज आपको बाबा जी पर कितना विश्वास है? बहुत ज़्यादा, दृढ़ विश्वास है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों विश्वास है? क्योंकि उन्होंने 134 भलाई कार्य किए हैं, जिसके लिए समाज में बहुत योगदान मिला है। और लेकिन उनके बारे में तो कुछ अलग भी दिखाया गया था, लगातार आया था। बिल्कुल गलत दिखाया गया मीडिया में, जी, जिसका प्रचार किया गया। आप आज भी जाते हो डेरा सच्चा सौदा? हाँ जी। पिताजी होता तो हम अपने आप को सुरक्षित रखते, क्योंकि जो लोग हैं लड़कियों की मारपीट बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल, और देश में बुराइयाँ भी बहुत ज़्यादा है, और डेरा सच्चा सौदा के लोग क्यों निंदा करते हैं? इतना अच्छा पापा कोच है मेरे, क्योंकि लोग ऐसे ही झूठ कहते हैं। बाकी सच तो सच ही रहेगा, सच हमेशा हारता नहीं, क्योंकि रावण जी थे वो झूठे रहे और राम थे जो वो सच्चे थे। इसलिए हमारे पापा बहुत अच्छे हैं और बाकी दुनिया झूठी है। इसलिए जो धर्म है वो ऐसे कहता है कि जो धर्म है वो सभी अच्छे हैं, वो किसी को गलत नहीं कहते हैं, धर्मों की चाल में सही है। क्या आपको लगता है समाज को ज़रूरत है उनकी? हाँ जी, पापा जी हमारे बहुत अच्छे हैं, उनको समाज की ज़रूरत है। सरकार से क्या अपील करोगे? हमारी सरकार तो यही अपील है कि हमारे पापा जो है बहुत अच्छे हैं, उनको प्लीज़ वो बहुत अच्छे से देश में आना चाहिए और लोगों की बुराइयाँ ख़त्म करनी चाहिए। जी जी, आप क्या कहोगे सरकार से, क्या अपील करोगे? पिताजी आने चाहिए और सरकार में समाज में योगदान मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है आम जनता की आवाज़ जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि समाज के लिए किस तरह के काम बाबा राम रहीम जी ने किए। आप लोग खुले दिमाग से जरूर सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डालिए। देखते रहिए, जुड़े रहिए।